हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। आप सभी बच्चे अपने रिवीजन वर्क पे ध्यान दीजिए बेटा। मैम जो आपको रिवाइज करा रही है उसी तरीके से अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप सभी को पहले से प्रिपेयर होना जरूरी है। सभी बच्चे बेटा घर में अपनी स्टडीज करना शुरू कर दो। जो बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे बेटा पढ़ लो, क्योंकि आपको एग्जाम अपने आप से ही देना है। कोई भी पेरेंट्स आपका आंसर नहीं लिखेगा, अगर पेरेंट्स ने लिखा तो वो शीट चेक नहीं होगी। तो फिर बेटा अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप खुद लिख के दो। सबको समझ में आ रहा है बेटा? तो आप सभी बच्चे अपना काम खुद करेंगे, नोटबुक में भी और एग्जाम में भी। चलो बेटा, नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड लिसन केयरफुली। आज की डेट देखो बेटा, आज की डेट क्या है? 8/10/2028 अक्टूबर 2020 आज की डेट है, और डे है थर्सडे। THURSDAY थर्सडे। और आपका आज का सब्जेक्ट है बेटा मैथ्स। मैथ्स में आपका टॉपिक है काउंटिंग 1 to 50। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बेटा 50 बनाना सिखाया था ना, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? काउंटिंग 1 to 50 राइट एंड लर्न करेंगे। सबको समझ में आ रहा है बेटा? आप सभी बच्चों को 50 तक काउंटिंग क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए। चलो अब सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे जोर से बोलेंगे, आपको नंबर का रिकॉग्निशन भी होना चाहिए। पढ़ो 1, जोर से बोलेंगे सभी बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद क्या आता है 8, 9, 10 बेटा। जिस बच्चे को 1 से लेकर 10 तक की पहचान होगी वो आगे भी काउंटिंग कर लेगा, लेकिन जिस बच्चे को 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग की रिकॉग्निशन नहीं होगी वो बेटा नहीं कर पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब 1 से लेकर 10 तक लिखने के बाद आपको एक ब्लॉक छोड़ना है। देन 10 के बाद क्या आता है 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 20, 20 क्या होता है बेटा 2020। आज 20 के बाद आपको देन दोबारा बॉक्स छोड़ना है। 20 के बाद क्या आएगा बच्चों? 20 के बाद 2, 1, 21 बेटा। जिस तरीके से मैम पढ़ रही है आप भी इस तरीके से पढ़िए 2, 1, 21 ऐसे, ठीक है? जोर से बोलो सभी बच्चे 21। 21 के बाद क्या आता है बेटा 2, 7, 28, 2, 9, 29, 30, 0, 30, 30 क्या होता है बच्चों 30, 30। आप 30 के बाद आप दोबारा एक बॉक्स छोड़ोगे
थ्री और फाइव, तो थ्री और फाइव का हिसाब सीखा तो क्या बन गया 35, 35 के बाद 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 39 के बाद 40, 40, 40 क्या होता है बच्चों 40, 40। अब 40 के बाद आपको सभी को पता है ना, आपको दोबारा एक रो छोड़नी है, देन आप क्या स्टार्ट करोगे 41, तो रीड करो 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45 के बाद 45, तो बेटा 45 के बाद क्या आता है 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50। तो आज हमने काउंटिंग करना सीखी बेटा, आज हम सभी बच्चों ने काउंटिंग 1 to 50 लर्न करी, रीड करी ना बेटा। तो स्टूडेंट दिस इज योर क्लास वर्क, ये आप सभी बच्चों का क्या है बेटा, क्लास वर्क है। तो अब सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे जोर से पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20, 2, 0 क्या होता है बच्चों 2, 0, 20, 20 के बाद 2, 1, 21, 2, 2, 22, 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 25, 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 9, 29, 3, 0, 30, 30 के बाद बेटा 3, 1, 31, 3, 2, 32, 3, 3, 33, 3, 4, 34, 3, 5, 35, 3, 6, 36, 3, 7, 37, 3, 8, 38, 3, 9, 39, 4, 0, 40, 4, 1, 41, 4, 2, 42, 4, 3, 43, 4, 4, 44, 4, 5, 45, 4, 6, 46, 4, 7, 47, 4, 8, 48, 4, 9, 49, 5, 0, 50। तो आप सभी बच्चों ने बेटा कहाँ तक लर्न करी 1 to 50। तो क्लास वर्क में अब नाउ ओपन योर डायरी एंड नोट डाउन टुडे होमवर्क। सभी बच्चे अपनी डायरी ओपन करिए, आज की डेट डालिए 8/10/2020 क्या है बेटा, आज की डेट है। डायरी में डेट डाल दी। अब सब्जेक्ट लिखिए मैथ्स, मैथ्स में आज आप क्या करेंगे बेटा काउंटिंग 1 to 50 राइट लिखना दिया है आपको और याद भी करना है, राइट एंड लर्न, राइट एंड लर्न।
होमवर्क में सभी बच्चे अपना होमवर्क डायरी में नोट कर लें बेटा। तो आपको कितने पेजेस करने हैं काउंटिंग 1 to 50 के? 2 pages, 1 for class work and 1 for homework। सबको समझ में आ गया बेटा? तो आप सभी बच्चों को काउंटिंग 1 to 50 लानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।